हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे आज हम बताने वाले हैं मारवेल रिसोर्ट के बारे में, जो चेन्नई में है कोहिमर पे। एक दिन हम लोग जो ऋषि के बर्थडे के पहले ही गए थे यहाँ पे, उसके बर्थडे के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये जो रिसोर्ट है ना, तो कोहिमर में, पूरा कोहिमर में है। और आप जैसे अगर चेन्नई में हो एंड वीकेंड प्लान कर रहे हो कि कहाँ पे जाए, तो ये जो रिसोर्ट है बहुत ही अच्छा है, मतलब अफोर्डेबल है। और आराम से आप जाके एक दिन, मतलब जो वीकेंड अपने आराम से स्पेंड करके आ सकते हो। जैसे हम लोग गए थे ना, तो इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हूँ कि बहुत ही अच्छा है। आप अगर जा रहे हो तो आप बहुत ही इन्जॉय करोगे। जैसे हम लोग जो गए थे वो जून के एंड पे था, जून लास्ट पे था, और जून के 28 के आसपास गए थे हम लोग। तो उस टाइम मैंगो सीजन चल रहा था, तो मैंगो सीजन, और यहाँ पे जैसे बहुत सारे मैंगोज ट्री है, तो मतलब बहुत जो मतलब आप ना तो खुद ही जाओगे तो खुद मतलब ऐसे नीचे पड़ा हुआ होगा, या आप वहाँ पे सिक्योरिटी को बोलोगे तो आम वो लोग भी आम तोड़ के देते हैं मतलब खाने के लिए। तो बहुत सारे मैंगो ट्री है, आप मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है मैंगोज, तो वो तो ऐसे रहता है ना, कुछ मार्केट से खरीद के खाना और वहीं से खुद से लेके खाना, तोड़ के खाना, उसमें मज़ा कुछ अलग ही रहता है। तो ऐसा ही फीलिंग्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रूम है, मतलब अब कोई भी जाए तो आराम से रह सकता है, और इतना भी मतलब ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो जैसे हम लोग गए थे, हम निकले थे सुबह ही, मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइम अलग रहता है। टाइम जैसे चेक इन टाइम 2 बजे का था, तो 2 बजे का, तो जैसे हम लोग चेन्नई में मेनली ओएमआई में रहते थे, ज़्यादा मतलब पहले नहीं गए, तो हम लोग 11 बजे के आसपास निकले थे घर से, ताकि मतलब वहाँ से टाइम पे पहुँच सके, और रास्ते में लंच करके हम लोग निकले थे। क्योंकि 2 बजे मतलब लेट हो जाता है ना, मतलब उतनी देर तक वहाँ पे जाके फिर रिजॉर्ट में लंच करना मतलब बहुत ही लेट होता है। तो इसलिए हम 11 बजे निकले थे, ताकि रास्ते पे लंच करके फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जाते जाते रास्ते में 1 घंटा तो लग ही जाएगा ऐसे भी, क्योंकि चेन्नई में ट्रैफिक जो है, तो उसके हिसाब से मतलब 1 से 2.5 घंटा तो लग ही जाएंगे वहाँ पर पहुँचते। तो इसलिए हम लोग 11 बजे निकले थे घर से, तो जाते जाते हम रास्ते से लंच करके निकले थे। तो जैसे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, मतलब रिसोर्ट जो है, मतलब हम लोग पहले तो गूगल के बहुत ही आए निकले कि कहाँ पे, जैसे वीकेंड पे कहाँ पे जाए, ताकि एक दिन आराम से रह के आ सकते, मतलब बजट में रहे और अच्छा भी रहे, ऐसा कहाँ पे जा सकते। तो हम निकले पड़े बस, और कोई भी बाहर जाने का मतलब जाने के नाम से ही ऋषि का ऐसा रहता है कि वो खाना पीना सभी भूल जाता है, उसको बस घूमना ही रहता है। और मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो ही रहता है, क्योंकि क्या रहता है ना, घर पे पूरा दिन मतलब रूम के अंदर बैठे रहो, कोई भी नहीं है, तो बाहर जाओ तो जो खुला खुला जगह मिलता है खेलने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, शैतानी करने के लिए, इसलिए वो तो मतलब कोई भी जाओ, मतलब जिस सुन लेता ना कि जाना है बाहर, तो बस उसको संभाल ही नहीं पाओगे, ऐसा रहता है उसका। जैसे हम लोग गए थे फिर A2B में, वहाँ पे मतलब चेन्नई में जो एक अच्छा भेज रेस्टोरेंट है, A2B आनंदा भवन है, तो हम लोग वहीं पे मतलब RDR आनंदा भवन, हम लोग वहीं पे जाके लंच किए। तो वहाँ पे जाओ तो मतलब वहाँ पे जैसे नॉर्मली वीकेंड में जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, मतलब थोड़ा लेट जाते हैं। तो हम लोग जल्दी आ गए थे, 11:30 तक पहुँच गए थे वहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों को वेट करना नहीं पड़ा। अदरवाइज़ जैसे रश टाइम में जाते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ही रश रहता है, तो क्यू में रहने मतलब क्यू में आधा घंटा 45 मिनट्स क्यू में ही वेट करना रहता है, ताकि मतलब नेक्स्ट स्पेस मिल सके बैठने के लिए, सीट मिले। तो इसलिए हम जल्दी, आज वीकेंड नहीं था, वीकडेज में गए थे, तो यहाँ पे बहुत कम रश था, तो हम लोग मतलब इजीली हम लोग को स्पेस मिल गया वहाँ पे, और ऑर्डर भी मिल गया, और यहाँ पे हम लोग लिए हैं अच्छा लंच का। तो ये भी हम लोग नॉर्थ इंडियन मील लिए, नॉर्थ इंडियन मील पे ना हमें बहुत कुछ देता है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे मतलब नॉर्थ इंडियन खाते ना ऐसे ज़्यादा भी उसका फीस नहीं रहता है एक थाली का, पर नॉर्थ इंडियन थाली एक जो ले ले तो आराम से भरपेट पूरे शांति से खा सकता है। और जैसे देख लो ये लोग खा रहे, वो ऋषि तो गुलाब जामुन लेके ही बैठ गया और कुछ नहीं खाया, बस गुलाब जामुन खाया। और हम जैसे वहाँ पे खा पी के हम फिर निकल आए, और आने के बाद हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट, हम लोग मारवेल रिजॉर्ट पे पहुँच गए, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास मतलब वहाँ पे पहुँचे, फिर ये लोग
मतलब पूछ रहे थे रूम के बारे में, रूम हम लोगों का जो रूम बुक हुआ था उसके बारे में डिटेल्स पूछ रहे थे कहाँ पे गया था मैं। उस टाइम पे ऋषि हमें बाहर जो एक्वेरियम रखा हुआ था वो वहाँ पे मछली देखने लग गया। पर फिर वहाँ से सारे डिटेल्स फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हम लोग चले रूम के पर, और वहाँ पे जो हेल्पिंग हैंड थे वो लोग सारे बैग वगैरह लगेज वगैरह लेके जा रहे थे और हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे रूम के ओर। तो यहाँ का मतलब नज़ारा इतना अच्छा था कि बहुत ही मस्त लगा, मतलब व्यू जैसे लगता है ना कहीं पे अलग से कहीं पे प्लेस में आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा था। जैसे क्या रहता है ना चेन्नई में पूरा भरा भरा हर प्लेस में, जैसे घर बिल्डिंग बिल्डिंग दिखता है, तो यहाँ पे आओ तो दूर ही बहुत ही शांति से जगह ऐसा मिला कि बहुत ही सुंदर है। और मतलब वहाँ पे जो नेचर का ब्यूटी बोलते हैं ना, यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा वो, मतलब एक्चुअल जो नेचर का ब्यूटी, सारे मतलब पूरा रेजर ट्रीज से भरा हुआ है, तो ऐसे बहुत ही सुंदर है। दिखाएंगे नेक्स्ट, आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि आप बहुत सारे मतलब अच्छा चीज़ें तो देखना मिस कर लोगे। इसलिए हम लोग रूम में आ गए। रूम के आने के बाद ही ऋषि को अपना शैतानी शुरू करते हैं, वो सारे लगेज को खोल निकाल मतलब खोल खोल के उससे मतलब वो सारे अपना जो टॉयज है ना वो लेके आए हैं, तो एक एक करके निकाल रहा है, फिर खेलने लग रहा है और इतना दौड़ भागा दौड़ी कर रहे हैं वहाँ पर उसको, तो मतलब हम लोग थक रहे हैं। तक जैसे ट्रैवल करके आते ना ऐसे लगता है कि थकान महसूस होता है, पर वो तो बिल्कुल भी थका नहीं है, वो तो पूरा एनर्जेटिक है। और इसी जगह पे रूम में वेलकम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ वेलकम पे ये सारे जैसे टी कॉफ़ी और गर्म पानी दिया हुआ है, मिल्क वगैरह जो भी आप टी या कॉफ़ी जो पी सके हो, और वाटर बॉटल दिए थे। तो बस रूम तो बहुत अच्छा था, ये हम लोग का चैम्बर रूम था। नॉर्मली इसका फी जो रहता है ना जो टाइम टू टाइम वेरी करता है, और हम लोग को उस टाइम पे मिला था 3,500 के आसपास मिला था इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये बोलते कि ये सबसे नॉर्मल वाला रूम है, पर हमारे हम लोग तो लगा था बहुत अच्छा रूम है क्योंकि ये रूम में ना सारे चीज़ अवेलेबल था और बहुत ही स्पेसियस भी था और अच्छा भी था। और हम लोग का अपना जो रूम जो मिला था वो पूरा स्विमिंग पूल के पास ही था, मतलब रूम से ही हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं ऐसा था। और उसका जो बाथरूम भी था बहुत ही स्पेसियस है और सारे पूरा वेल मेंटेन है। रूम में भी एसी लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है और बेड भी बहुत अच्छा है, और सारे जो वुडन वर्क वाला है मतलब कबर्ड वगैरह जो सामान वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है। और टी पॉय भी रखा हुआ है, फिर फ्रीजर भी रखा हुआ था पर अंदर फ्रीज नहीं था, निकल को बोले कि यहाँ पे ख़राब हो गया था तो निकल दे बाहर। तो रूम तो बहुत ही अच्छा था। रूम का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, पूरा डिटेल्स दिखाऊँगी क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो बन जाएगा, तो इसलिए रूम का मैं अलग से दिखाऊँगी। और जैसे वो पहुँच गए फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर किए यहाँ पे, तो ऋषि तो पूरा दौड़ने भागने लगा, वो बोला कि चलो हमें तो वो तो बस स्विमिंग पूल के नाम में बदल रहा था, वो बोला था मुझे स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, नहा नहाए, बस वो तो उसी के पीछे भाग रहा था। तो हम अभी नहाने नहीं आए हैं, हम बस मतलब अभी जस्ट आए हैं ना, तो इसलिए बोले कि थोड़ा सा स्विमिंग पूल आ के देख के आते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं कि कैसा क्या है इसमें अंदर क्या क्या नज़ारा है देखते हैं थोड़ा। फिर हम लोग बस घूम रहे पर इसी तो उसका तो मन है कि वो जंप लगाए स्विमिंग पूल पे, थोड़ा सा स्विमिंग करे, तो उसका वही मन था। उसके पापा के पीछे पड़ा हुआ था कि पापा ले चलो मुझे स्विमिंग पूल ले चलो ले चलो ले चलो, ऐसा बोल रहा था कि उसके पापा बस परेशान होते, बोले नहीं भाई रुको अभी हम लोग नहाएंगे, रुको वेट करो। तो अभी थोड़ी देर में मतलब सडन बारिश भी स्टार्ट हो गया, तो मतलब जो लोग कुछ लोग ना स्विमिंग पूल पे नहा रहे थे तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा ले रहे थे क्योंकि स्विमिंग पूल में नहा और बारिश हो जाए उसके अंदर जो मज़ा रहता है ना उसका तो थोड़ा अलग ही रहता है। फिर हम लोग तो नहीं नहा रहे थे, हम लोग बस देख रहे थे बैठ के। और वहाँ पर ना मतलब बहुत ही अच्छा जैसे क्या रहता है ना बोट जैसा है, तो हम आराम से बैठ सकते हो, जैसे बारिश हो रहा था हम तब उसके अंदर बैठ गए, टापू जैसे क्या हुआ है सब। तो बाकी लोगों को नहाते देख के पूरी इसी को तो संभाल ही नहीं जा पा रहा था, वो तो बोला था उसके बस पापा थोड़ा सा पानी टच कर ले, थोड़ा सा बस थोड़ा सा टच कर ले, जैसे मतलब उसके पापा को ऐसे बोल रहा था। पापा बोले तो नहीं 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 वही अभी बारिश हो रही है, तुम्हारा तबीयत भी ख़राब है ऐसे, मतलब सर्दी था उसको, तो बोले कि तुम अभी थोड़ी देर रुक जाओ हम लोग कल नहा लेते हैं, क्योंकि कल तक हम लोग हैं तो कल सुबह हम लोग नहाएंगे, अभी नहीं नहाएंगे।
तो हम वहाँ से निकल आए। थोड़ा सा बारिश जब बंद हुआ तो हम निकल आए कि बारिश का मौसम था, वो थोड़ा सा चाय के साथ पकौड़ी भी हो जाए तो उसका मज़ा ही आ जाए। फिर यहाँ पे ना एक अच्छा अच्छा टापू जैसे किया हुआ है, मतलब पानी के बीच ही बना हुआ है, कोई भी जैसे यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर या कुछ भी रहता है तो वो लोग, उन लोगों को बोलने से वो लोग अरेंज करवा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये लोग बैठ के यहाँ पे बैठे थे कि नज़ारा ले रहे थे, वो साइड में जो डक वगैरह, डक जो है ना, डक खेल रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऋषि तो बहुत एंजॉय कर रहा था, मतलब बहुत जो नज़ारा है ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी आओगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ऋषि खेलने लग गया, फिर दौड़ने लगा, ऊपर नीचे हो रहा था और मस्ती कर रहा था, बहुत ही चेतन था। तो आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिटर हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको पहले बार ही, मतलब फर्स्ट टाइम ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। आप मतलब और कोई भी डिटेल्स के चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, ताकि हाँ जो है ना तो आपको दिक्कत नहीं बता देंगे, या कोई भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि कुछ भी चीज़ों को जानना चाहिए। तो जैसे भी यहाँ पे अगर मतलब जैसे बारिश का टाइम मौसम जैसे लग रहा था ना, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा बारिश हो गया, तो हम लोग चाय पकौड़ी खाने में आ गए, क्योंकि मन हुआ कि अभी के मतलब जैसे मौसम है उसके हिसाब से तो चाय के साथ पकौड़ी तो चाहिए है। तो चाय पकड़ लिए हम लोग, उसके बाद थोड़ा साइकिलिंग करने निकल गए। यहाँ पे साइकिल रखा हुआ है तो आप आराम से, आपको अगर साइकिलिंग आता है तो आप आराम से साइकिल चला सकते हैं यहाँ पे। जैसे सब लोग यहाँ पे साइकिलिंग करने लगे, और इसी जो क्या क्या ना, वो तो पापा के पीछे दौड़ने लगा, जो भी साइकिल करना था उसके पीछे दौड़ने लगता है। तो वहाँ पर तो ऐसे मज़ा रहता, मतलब उसको ऐसा लगा था वो ही ज़्यादा मस्ती करें, पर बस अकेला वो ही नहीं, बस हम सब भी बहुत ही मस्ती किए। मतलब जो वीकेंड होता है ना, तो ऐसा लग रहा है पूरा फुलफिल हुआ, मतलब यहाँ पे पैसा वसूल वाला हो गया, कि जितना भी आए ना तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग बहुत ही मस्ती किए, सभी लोग बहुत ही इन्जॉय किए, पूरा मतलब फुल 100% इन्जॉय किए हम लोग तो यहाँ पर। तो सब एक करके बाहर करके, मतलब साइकिल चलाए थे, साइकिल था वहाँ पर, बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है। तो और यहाँ पे झूला भी है, झूला भी रखा हुआ है, तो उसमें मतलब जो ट्रीज है ना, ट्रीज में टंगा हुआ है सारे, तो कोई भी आके झूला में झूल के फिर मज़ा ले सकता है। तो हम लोग भी एक एक करके झूले में झूले, और इसी जैसे उसके पापा को झूला रहा था, फिर झूले के झूल के एंजॉय कर रहा था, उसमें मज़ा ले रहा था, पूरा फूल एंजॉय कर रहा था। और एक बच्चा को, बच्चा मिल गया था उसको, उसके साथ भी दौड़ने लगे वो तो थोड़ी देर के लिए। पर एक चीज़ मतलब यहाँ पे ना, मतलब रिजोर्ट जो है उसका ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। जैसे आप अगर सोच भी रहे हो ना, या फिर प्लान कर रहे हो कि वीकेंड आए या ना आए, तो आप ज़रूर आ जाए विदाउट एनी हेजिटेशन। आप यहाँ पे आइए और मतलब आराम से रह के जाइए। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और ये किड्स अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत आराम से इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत राइड्स रखा हुआ है, और खुला स्पेस है तो बच्चे आराम से इन्जॉय कर सकेंगे। और आपको अगर आम का खाने का बहुत शौक रहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर आम के सीजन में आइए यहाँ पे, ताकि आपको फ्री में बहुत सारे आम मिल जाएंगे। वो भी पूरा पेड़ों से तोड़े हुए आम, और अगर तोड़ना भी चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, तो ऐसा वाला है। तो आप आराम से आइए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ना, मतलब रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक पे गए, क्योंकि मतलब रात को जो लाइट भी होता है ना वो कैसा लगता है, पर नाइट में बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पूरा ना, मतलब इतना अच्छा लगता है बोल नहीं पाऊँगी। अब अगर आओगे तो ही आप फील कर पाओगे कि कैसा लग रहा था। और जैसे यहाँ पे एक स्पार्कलिंग लाइट लगा हुआ था, और इसी तो उस लाइट के ऊपर दौड़ने लगा, उसको तो बस दौड़ने का ही शौक चाहिए। कोई भी मिल गया, कुछ भी मिल गया तो बस वो दौड़ने लग जाए। और जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल देखे उसके ऊपर, स्विमिंग पूल बंद था, वो नाइट के टाइम था, पर वो नहीं छूना था, बोलते थे नहीं मुझे जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, जाना है, ऐसा बोल के बोल रहा था। पर उस टाइम हम लोग नहीं गए, बस वो में थोड़ा सा देखे, इधर उधर हुए और वॉक किए, और रात को भी थोड़ा सा हम लोग साइकिलिंग किए। जैसे कितना आम पड़ा हुआ है, तो हम लोग भी कुछ आम लिए, जैसे संजू भी लिए थोड़ा सा आम, तो हम दोनों मिल के बहुत सारे आम लिए। वो लेके हम लोग जा रहे थे तो सिक्योरिटी बोला भाई तुम लोग आम ले रहे हो तो वो कैमरा के सामने बच जाओ, ऐसा बोला था। पर ऐसा कुछ नहीं है, और आराम से, क्योंकि आम तो पड़ा हुआ है, प्लेस पर फ्रेश आम ही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम लोग ऐसे वॉक करते, मतलब नाइट पे आप अगर जा रहे हो तो नाइट का व्यू भी लेना, आप नाइट पे भी जैसे डिनर करने के बाद ना अब आराम से थोड़ा सा घूम लेना यहाँ पे, तो ये नाइट पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखो हमको एक कोकोनट मिला, यहाँ पे पूरा पेड़ से पाया हुआ पूरा कोकोनट, फिर हम उसको ले रहे हैं, पर वो कोई काम का नहीं है क्योंकि इसको लेकर हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। ये सब लेके हम मतलब जा रहे हैं, हम अपने रूम पे जा रहे हैं, फिर रूम पे जाने के बाद फिर मतलब ऋषि फिर से मस्ती करने लगी है, उसको तो बस मस्ती ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब ऐसे थका हुआ लग रहा था सबको, पर वो मस्ती में झूम रहा था। और ये हमारा संची मैडम इतने सारे मैंगो लिए हैं और बता रही है देखो मैं कितने सारे मैंगो ले ली हूँ। फिर सुबह हो गया, हम फिर निकल गए, फिर सुबह हो गया। और तो फिर हम लोग बोले कि सुबह सुबह थोड़ा सा फ़ोटो लेते हैं ताकि ऋषि का प्री शूट हो जाए, बर्थडे वाला जो था ना बर्थडे का प्री शूट हो जाए। तो फिर वो खेलने लग गया, उसको खेलना था, फिर उसे पापा उसको चला रहे थे, वो राइड हो गया था, फिर पापे थे दोनों दो ट्रक लगाए थे, फिर दोनों ने बहुत मस्ती की है, हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। फिर मतलब रिटर्न भी आज ही था, मतलब चेकआउट भी आज ही था, 2 बजे 12 बजे का टाइम चेकआउट था। तो उससे पहले हम लोग सोचे थे थोड़ा सा नहा ले स्विमिंग पूल पे, ऋषि को बहुत मन था नहाने के लिए और उसका बर्थडे है और उसका डिमांड था स्विमिंग पूल पर, इसलिए हम उसको स्विमिंग पूल लिए ताकि वो इन्जॉय कर पाए क्योंकि उसी के नाम पर ही आए हैं ना। तो उसको तो मतलब मतलब ऐसे पता है कि उसका उसी जिसके लिए आए तो उसका तो कुछ तो जो भी स्विमिंग पूल पर होना ही चाहिए, तो ऐसे वाले बड्डे वाले बॉय हैं तो इसलिए उसको मतलब स्विमिंग पूल पे नहला दिए और स्विमिंग पूल पर बहुत ही मजे किए, तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे सब लोग, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे क्योंकि थोड़ी देर बस बस चेकआउट भी करना है। तो हम लोग बोले बैग पर हम लोग सारे पैकिंग कर लिए थे, तो सारे पैकिंग करके फिर लंच मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना बफे वाला बफे था, तो सुबह ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा देता है यहाँ पे, मतलब सारे चीज़ें अवेलेबल है आपके, और लाइव डोसा काउंटर भी है, आप वहाँ से आराम से डोसा जो भी डोसा खाना है आप तुरंत हम लोग बना के देंगे। तो मतलब बफे जो रहता है ना बहुत अच्छा है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है खाना का, मतलब बहुत अच्छे वाला क्वालिटी वाला खाना, जैसे घर का खाना रहता है ना आप कोई भी चीज़ बोलोगे आपको उसी के हिसाब से बना के देते हैं वो लोग, तो खाने के लिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। मुझे से आप स्विगी जोमेटो में मतलब भी वो भी ऑर्डर करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो जैसे मतलब कुल मिला के खाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और रिजॉर्ट भी बहुत ही अच्छा है। अब आराम से आइए विदाउट एनी हेजिटेशन, आप आके मतलब फैमिली के साथ आइए, तो वीकेंड जो है ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप वक्त बहुत अच्छे से टाइम जाएगा ऐसा है। तो आइए एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये वाला रिजॉर्ट, आप अगर आ रहे हो तो बता मतलब ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारा जो सजेशन है तो आपको कैसा लगा। तो जैसे नेक्स्ट कुछ भी हम एक्सप्लोर करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चेन्नई या कुछ भी और भी प्लेसेस के बारे में तो हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आपको इनके सब पर आपको कुछ जानने की इच्छा है, मन है कोई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। तो ऐसा था रिजॉर्ट वाले मडबेड रिजॉर्ट, तो जैसे आज तो मतलब 2 दिन लग रहा था बहुत कम ही है और वो 1 दिन हो जाता तो मतलब आज का दिन रुक जाता तो ऐसा अच्छा लगता, ऐसा लग रहा था, पर एनी हो ज़्यादा दिन भी नहीं रहना चाहिए, वीकेंड मतलब वीकेंड ही है, 1 दिन सही रहता है। पर जैसे स्विमिंग पूल है ना तो इसलिए मन कर रहा था कि और 1 दिन रह जाए तो थोड़ा सा और इन्जॉय कर सके, ऐसा है। ऐसा हो गया, फिर हम लोग जो रिजॉर्ट वाला ओवर हो गया टाइम, फिर ऋषि को बस आना था थोड़ी देर, वो पापा के साथ मस्ती किया, उसके बाद मस्ती करके हम सब वहाँ से आ गए, फिर क्योंकि हमें फिर निकालना तो है। और एक चीज़ यहाँ पर रेंडेंस भी है, रेंडेंस आप अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे बोलने के बाद वो लोग रेंडेंस करवाते हैं 5 मिनट्स इसका फिर कर लिया, तो जैसे मतलब इस फैमिली के लिए, तो जैसे कोई भी जाता है तो उसके हिसाब से 5 मिनट्स वो लोग रेंडेंस स्टार्ट करवाते हैं, तो आप लोग रेंडेंस पे एंजॉय रेंडेंस का भी मज़ा ले सकते हो। तो कुल मिला के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आप यहाँ पे रिजॉर्ट में आए और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगेगा। आप आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरा जैसे कोई दूसरे प्लेस में आ गए ऐसा लगेगा, मतलब सारे चीज़ बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे आप, ऐसा है। तो आप आइए और मज़ा लीजिए रिसोर्ट का और
अपना वीकेंड मस्त बनाएंगे, ऐसा है। वीकेंड का पूरा प्लान जो है ना, वीकेंड मस्त वाले वीकेंड मस्त एंजॉय कीजिए। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। थैंक यू।